अमेजॉन जंगल दुनिया का सबसे विशाल जंगल है और इसी जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन भी मौजूद है। इस जंगल के पेड़ इतने विशाल और घने हैं जिस कारण से सूर्य की रोशनी भी यहाँ की जमीन तक नहीं पहुँच पाती। इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी मौजूद है जिसे आपने शायद मूवी में देखा हो। इस जंगल में लोगों को कुछ ऐसी विचित्र चीजें मिली जो आज के समय में लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। अमेजॉन जंगल में करीब 25 लाख से भी ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं जो दिखने में जितने सुंदर दिखाई देते हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। अमेजॉन जंगल करीब 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक विशाल जंगल है जो हमारे भारत देश से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है और यह धरती के करीब 4% हिस्से में फैला हुआ है। अमेजॉन जंगल साउथ अमेरिका के 9 बड़े देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और भी बड़े बड़े 5 देशों में मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेजॉन जंगल कितना विशाल है। इस जंगल में करीब 4 अरब से भी ज़्यादा पेड़ मौजूद हैं। यह जंगल बेहद विशाल और रहस्यमयी खूबियों से भरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है। धरती की 20% ऑक्सीजन इसी अमेजॉन जंगल से हमें मिलती है जिस कारण से इसे हमारी धरती का हार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी इसी जंगल में मौजूद है और यह नदी बड़े ही खतरनाक जीवों का घर भी है। फिर भी आदिवासी इस नदी के पास और इस खतरनाक जंगल में कैसे रहते हैं, इन सभी बातों का रहस्य आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेजॉन जंगल कब और कैसे बना और यह धरती पर कब से मौजूद है, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। तो चलिए जानते हैं यह जंगल कैसे और कब बना। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जब धरती पर इंसान मौजूद नहीं था उस वक्त धरती पर केवल डायनासोर और टाइटेनोबोआ जैसे विशाल जीव मौजूद थे। तब यह धरती चारों तरफ विशाल समुद्र और खतरनाक जंगलों से भरी पड़ी थी और इन्हीं जंगलों में यह विशाल जीव जीवन यापन करते थे। लेकिन अचानक से एक विशाल एस्टेरॉयड जो कि आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हमारी धरती से टकराया और इस एस्टेरॉयड के टकराने से हमारी धरती पर मौजूद डायनासोर जैसे विशाल जीवों को पूरी तरह विलुप्त कर दिया और तभी से डायनासोर काल में पाए जाने वाले सभी जीव पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गए। इस एस्टेरॉयड के टकराने से हमारी धरती पर मौजूद जंगल भी आग लगने से पूरी तरह नष्ट हो गए और धरती के वायुमंडल में गैस के बादल बन गए और इसी कारण से हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और करीब 3 सालों तक लगातार बारिश होती रही। जब बारिश बंद हुई और आसमान साफ हुआ तब सूर्य की रोशनी हमारी धरती पर पड़ने लगी। तभी से इस जमीन पर पेड़ उगना चालू हो गए। उस समय इंसान मौजूद नहीं था जो इन पेड़ों की कटाई कर सके और इन पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इसी कारण से यह 6 करोड़ साल पुराना जंगल आज अपने विशाल रूप में हमारी धरती पर मौजूद है। इस जंगल में दुनिया की सबसे विशाल नदी अमेजॉन नदी भी मौजूद है जो दिखने में किसी विशाल समुद्र से कम नहीं है। यह नदी करीब 6000 किलोमीटर लंबी है और इस नदी की चौड़ाई करीब 5 किलोमीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नदी कितनी विशाल है। अमेजॉन नदी अमेजॉन जंगल के बीच से होकर गुजरती है जिस कारण से इस नदी को अमेजॉन जंगल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी में धरती के सबसे विशाल एनाकोंडा भी पाए जाते हैं जो करीब 60 से 70 फुट लंबे और 2 फीट मोटे होते हैं। यहाँ के आदिवासी लोगों का कहना है कि उन्होंने इस जंगल में करीब 100 फीट लंबे सांपों को देखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेजॉन नदी के अंदर डायनासोर काल में पाए जाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ भी मौजूद हो सकता है। इस जंगल के अंदर कई आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं
जो आज तक बाहरी दुनिया के संपर्क से बहुत दूर है। इन आदिवासियों के पास लोगों ने जाने की कोशिश की तो इन आदिवासी लोगों ने उन पर हमला भी किया। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया के लोगों का यहाँ आना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आज भी इस खतरनाक और विशाल जंगल में आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। कई बार जब वैज्ञानिकों ने जंगल में जांच पड़ताल की तो उन्होंने एलियंस की स्पेसशिप को उड़ते हुए देखा और एलियंस से जुड़े कई सबूत भी उन्हें इसी जंगल में मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जंगल इतना विशाल है कि दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस यहाँ बड़ी आसानी से छिप सकते हैं। अमेजन जंगल के बारे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस जंगल के अंदर एक प्राचीन शहर मौजूद है जिनके घर सोने और चांदी के बने हुए हैं। वैज्ञानिकों को इस शहर से जुड़े कई सबूत मिले और ब्रिटेन के कुछ लोग अपनी टीम और हथियारों के साथ इस जंगल में उस सोने के शहर को खोजने के लिए निकल पड़े। लेकिन करीब एक साल हो जाने के बाद भी उन सभी में से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया और तभी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन आज तक 40 लोगों की टीम का कोई भी पता नहीं चला और उन सभी लोगों का अचानक से अमेजन जंगल से लापता हो जाना आज तक एक रहस्य बना हुआ है। और तभी से लोग इस जंगल में आने जाने से भी डरते हैं। आपका इस जंगल के बारे में क्या कहना है और क्या आप इस जंगल में जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें।